नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज, और आजाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं जिला मोतिहारी प्रखंड घोड़ासहन समनपुर पंचायत हो गया। यहां से हमारे साथ रूबरू हैं अभी वर्तमान पंचायत समिति सदस्य। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे। आजाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखिए। धन्यवाद, आपका भी हमारे आवास पर स्वागत है। मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार, समनपुर पंचायत के हम समिति हैं और घोड़ासहन प्रखंड में अभी उप प्रमुख के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आप अपना राजनीति परिचय दीजिए। राजनीति परिचय, हम पहले तो समाज सेवी थे, समाज का सेवा करते, लोगों का सोच आया, लोगों का मानना था कि आप राजनीतिक में आते हैं तो अच्छा करेंगे, तो लोगों के मार्गदर्शन में, लोगों के बुलाने पर हम इस राजनीति के क्षेत्र में आने आए हैं। हमारा ऐसे तो छात्र जीवन से समाज सेवा और राजनीति मेरे दिमाग में था। आप समिति पद पे चुनाव जीत करके आए और आप अपने प्रखंड के उप प्रमुख बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं अपने 21 समनपुर की जनता को और प्रखंड में जितने भी पंचायत समिति हैं, इन्होंने मेरे कार्य साथ रह करके कार्य क्षमता देखा और इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए दिया। सबको धन्यवाद देता हूँ, पूरे समनपुर समेत पूरे प्रखंड के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी कम उम्र में हमें प्रखंड के उप प्रमुख का जिम्मेवारी दिया। 2021 में जो पंचायत स्तरीय चुनाव हो रहा था, अपने चुनावी मैदान में अपने पंचायत में क्षेत्र भ्रमण पर जब जाते थे, जब मतदाताओं से वोट मांगे, क्या क्या समस्याएं आपको नजर आता था आपके इस पंचायत में? देखिए, जब हम क्षेत्र में घूमे तो आज़ादी के बाद से सभी लोग काम ही कर रहे थे। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा गाँव है बसंतपुर, वहाँ ब्रह्म स्थान तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, रास्ता था लेकिन बरसात में बिना चप्पल निकाले आप नहीं जा सकते थे। वह काम कर रहे हैं, उसको देखे हुए थे, लोग से वादा किए थे कि चुनाव जीतेंगे तो मेरा पहला काम होगा, वह किए। दूसरा था सिंगरहिया ग्राम में, जो मेरा निवास भी है, किसी का देहांत हो जाने के बाद बरसात में वहाँ जाने का रोड नहीं था, उसको किए। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ एक पोखर था जिसमें छठ के लिए किसी को कभी तक कोई नेता ध्यान नहीं दिए, तो छठ करने में के समय में छठ घाट को लेकर काफ़ी समस्या होती थी, महिलाएं जो व्रती होती थी पानी में गिर जाती थी, तो वह छठ घाट का समस्या था। पूरे पंचायत में एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां छठ घाट नहीं बना हुआ था। लेकिन अभी तक आज़ादी के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस पर नहीं गया था, तो मैंने छठ घाट बनाने का काम किया। उसके बाद हमुआ में हरिचंदर सिंह के घर से जयराम शाह के घर तक अभी तक आज़ादी के बाद उस पर एक नहीं रखने का कोई काम किया था। तो हम जब घूम रहे थे उसी समय समझिए हम रूपरेखा तैयार करते चले गए, क्या करना है हमको, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो भी समस्या है, जैसे जाति आवासीय बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, प्रखंड दूर है हमारे पंचायत से, लोगों को जाने में काफ़ी समस्या होती थी, वृद्धा पेंशन बनाना हो, हम वोटर लिस्ट निकाले हैं उसमें जिनका भी 2022 में 60 वर्ष हुआ है उनको चिन्हित करके, उनको खबर भेज करके कि आपका उम्र 60 वर्ष हो गया है, आप वृद्धा पेंशन के लायक हो गए हैं, आप आकर के वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर करके जाइए, मेरा दायित्व है आपका पीपी नंबर दिलवा करके आप अकाउंट ओपन करिए। अच्छा, और स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हम उम्र कम प्रयास कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हमें इस विभागों के विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, सब जानकारी ले रहे हैं और कहाँ क्या सुधार हो सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। विद्यालय भ्रमण, जनप्रतिनिधि का दुकान भ्रमण, अपने मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र माननीय विधायक पवन जायसवाल जी का के द्वारा दिया गया था, बंद था, उस पर ना कोई डॉक्टर का बहाली हुआ था, तो उस पर डॉक्टर लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में भी चले और गांव का जो हमारे पंचायत का जो लोग हैं उनको फायदा मिले। मुख्य समस्या इस वक्त आपके पंचायत में जो समस्या है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पंचायतवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार ईमानदारी से हमने ईमानदार जिस तरह से चुने हैं उसका फल इस पंचायत की जनता को मिलेगा, ईमानदारी से काम जिस प्रकार हो रहा है धरातल पर उसी प्रकार से काम होगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।